तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा है। अगर इस वाले न्यूमेरिकल को देखोगे तो ये भी वाई डी एस सी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि इन ए वाई डी एस सी एक्सपेरिमेंट टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लैब प्लेस्ड, मतलब दो कोहेरेंट सोर्स है, उनके बीच का जो सेपरेशन है 0.090 मिलीमीटर है, एंड ए पार्ट फ्रिंज आर ऑब्जर्वेड 1 मीटर डिस्टेंस, मतलब जो फ्रिंज है वो 1 मीटर डिस्टेंस, मतलब डी इज इक्वल टू 1 मीटर है। ए प्रोड्यूस डार्क फ्रिंज, सेकेंड डार्क फ्रिंज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल पिन। समझना इसको, अगर ये अपने पास वाई डी एस सी का सेटअप है और यहाँ स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, और ये वाली जो डिस्टेंस होती है दैट इज स्मॉल डी, तो इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जब यहाँ पे चले जाओगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तो ये जो होता है स्क्रीन और स्लिट के बीच डिस्टेंस डी डी होता है। अब यहाँ पर पॉइंट पी पर सेकेंड डार्क फ्रिंज यहाँ पे सुपर पोजिशन हुआ है, और ड्यू टू दिस सुपर पोजिशन पॉइंट पी पे सेकेंड वाई जो है लोकेशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज है यहाँ पे बना, दिस इज द सेकेंड डार्क फ्रिंज, सेकेंड डार्क फ्रिंज, ठीक ना, समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर तुम देखोगे वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक ऑफ द लाइट यूज, जो इसमें लैम्बडा यूज हुआ है, ये वाली जो वेवलेंथ यूज हुई है उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक ना। तो अगर मुझे मुझे लैम्डा कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, तो मुझे वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यार। जनरल डार्क फ्रिंज के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वाई कितनी होती है डार्क फ्रिंज के लिए। तो चलो इसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक ना। तो फार्मूला तो याद नहीं होगा, जनरल वाई का जो जनरल फार्मूला है वो तो आपको याद होगा नहीं, तो मैं एक ट्रिक जो बताया था शुरू से देख रहे हो, पाथ डिफरेंस निकालो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू स्मॉल वाई, इसको याद रखोगे तो लोकेशन हम मैक्सिमा मिनिमा दोनों निकल जाएगा, ठीक है। मिनिम मैक्स किसका निकाल रहा हूँ, मैं मिनिमा का निकाल रहा हूँ, तो मैं पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स वाई स्मॉल डी पाथ डिफरेंस वाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, दिस मस्ट बी इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू फॉर डार्क फ्रिंज या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वाई जो है जनरल लोकेशन वो है वो 2n+1 और लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल डी, दिस इज द जनरल लोकेशन ऑफ ऑल मिनिमा, ठीक है ना। वेयर एन यहाँ से स्टार्ट होता है 0, 1, 2, एन की जो वैल्यू यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ वो 0, 1, 2, यहाँ से वाई इट इज क्लोजिंग कंटिन्यूसली यार, तो यहां से एन की वैल्यू जो मैं स्टार्ट करूंगा बच्चों, ऐसा सॉफ्टवेयर एरर आ जा रहा है, एन की वैल्यू में 0, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे ये एन इक्वल टू 0 पर यहाँ पर अपना फर्स्ट मिनिमा बनता है, ठीक ना, और ये एन इक्वल टू 2 के लिए यहाँ सेकेंड मिनिमा बनता है, बात समझ में आ रहा, और एन इक्वल टू 2 पे यहाँ थर्ड, एन इक्वल टू 2 पे थर्ड मिनिमा बनता है, तो इसको हमें याद रखना। तो अभी सेकेंड मिनिमा की बात हो रही है, तो मैं इसमें पुट करूंगा एन इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख सकता हूँ फॉर सेकेंड मिनिमा, ठीक है ना, सेकेंड मिनिमा के लिए जो वाई टू है इसका एन इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2 डी, दिस इज द लोकेशन ऑफ द सेकेंड मिनिमा। अब कुछ नहीं करना, आपको सारी वैल्यू रख के कैलकुलेट करना है। तो 3 लैम्डा यहाँ दिया हुआ, लैम्डा देखो ऊपर कितना दिया था प्यारे बच्चों, लैम्डा दिया था, नहीं ना ना, ना लैम्डा हमें निकालना है, तो लैम्डा यहाँ से आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 2 स्मॉल डी और वाई टू दूसरे का लोकेशन और यहाँ से 3 कैपिटल डी, तो यहाँ से 2 और स्मॉल डी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू 0.9 मिलीमीटर है, तो यहाँ से 0.9 मिलीमीटर मतलब 10^-3 मीटर, ठीक है। और वाई टू जो है 2 सेंटीमीटर ऊपर, कितना है 1 मिलीमीटर, डार्क फ्रिंज 1 मिलीमीटर, तो जो ये वाई की वैल्यू है कितना ऊपर बना है 1 मिलीमीटर, मिली मतलब 10^-3, तो फाइनली 3। और कैपिटल डी की जो वैल्यू है वो देखो, कैपिटल डी की वैल्यू 1
मीटर दिया हुआ है जो कि स्टैंडर्ड है, ठीक ना, 1 मीटर, तो इसको कोई दिक्कत हो जाए। अब कुछ नहीं करना, इसी को कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर माइनस 6। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे 10 की पावर माइनस 6, इसको कैलकुलेट करो, तो यहाँ से जो है वो 0.6 और इंटू 10 की पावर माइनस 6, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो ये आ जाएगा 0.6 इंटू 10 की पावर, यहाँ से ये पॉइंट ख़त्म हो गया, और मिली किस में सोलूसन है से, देखो तो पावर में सेंटीमीटर में है क्या, हाँ सेंटीमीटर में है। तो ये जो है मैं सब कुछ मीटर में कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये 0 से 10 की पावर माइनस 6, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक काम करो 10 से जैसे मल्टीप्लाई हुए पॉइंट हट गया, और इंटू 10 की पावर माइनस यहाँ से 7, ये जो है अपना मीटर में है, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और यहाँ से सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब देखो इसमें से कौन सा मैच करता है, तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर, मतलब डी ऑप्शन मैच कर गया, ठीक ना। थैंक यू।